난 아무 말도 할 수가 So hey guys, welcome back to my channel आशीष सिद्दीकी और मैं जंगल में आया हूँ बोतल लेके पानी पीने के लिए तो गाइस जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है और पीछे हमारे सूरज निकला हुआ है और यहाँ पे कुछ बंदा कुछ कर रहा है। तो आज हम लोग आए हुए हैं पार्क, घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे, कभी इस कमरे से कभी उस कमरे में, कभी बहन डांट रही है, कभी मम्मी डांट रही है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। फिर हमारी मौसी ने हमको आइडिया दिया कि आप पार्क जाओ, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया तो हम यहाँ आ गए। तो आज है हमारा चेस्ट डे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। और मेरी आंखें बंद हो रही क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट मेरी आंखों में पड़ रही है, जो कि मेरे भाई ने मेरे को बताई है सनलाइट। नान 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 तो गाइस टाइम हो गया है 10 AM, ठीक है। और मैं अपने भाई पे करने जा रहा हूँ एक प्रैंक करने, जिसमें कि मैं उसको टकला करूंगा। तो मैंने उसे बोला है कि भाई तू छोटे वालों में ज्यादा स्मार्ट लगता है, एकदम जहन की तरह लगा, एकदम मस्त, एकदम लगा सलमान खान ये वो, मतलब चढ़ा दिया चौथे आसमान में, उसे बता दिया तू बहुत ज्यादा स्मार्ट लगेगा। उसे मैंने बोला कि भाई जो तेरे बाल हैं, मतलब दाने वाने समथिंग बोल दिया बहुत कुछ, अब उसे मैं टकला करूंगा। उसके बाद उसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है उसका। बस मम्मी ना मारे, बस फिर मम्मी धमकी देती है ना कि पापा आएंगे शाम को, तो यार गलत बात है यार। वैसे जो हमारा मुर्गा है वो तैयार है और बाहरी है वो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ कि उसे सुनाई ना दे। तो जो हमारा मुर्गा है वो तैयार है, उसकी फोटो है ये, और बात वाली जो होगी मैं उसके बाद दिखाऊंगा। सर तूने कुछ सुना तो नहीं था? तूने मेरे बाल कटने वाले हैं ना? हाँ, बस मेरे को इतना पता है तू स्मार्ट लगेगा, तेरे को इतना भी पता होना चाहिए। मस्त लगेगा तू, मस्त। नो 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 नो। इधर तो देख साहिल भाई, तू कितना स्मार्ट लग रहा है यार। अबे भाई तू मस्त लग रहा है, लोग देख कमेंट करके बताएंगे तू बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा हूँ। गंजा करके रख दिया मेरे को पूरा। गंजा, इसको गंजा कहते हैं, गंजा तो कहते हैं इसको, इसको इसको जैन कटिंग बोलते हैं, जैन कटिंग। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어
매번 야야야야야 불러널 야야야야 내 맘을 고백하려고. तो गाइस बाल कट चुके हैं मेरे भाई के, और मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला, मम्मी ने बोला नॉर्मल अच्छा है, ठीक है। तो गाइस अब बज गए हैं ऑलमोस्ट 12 और मेरे को नहाना है आधे घंटे बाद, क्योंकि अभी मेरे को थोड़े रूम वगैरह की सफाई वगैरह अपने करनी है। उससे पहले मैं ये वाओ का शैम्पू लगाऊंगा, सॉरी शैम्पू नहीं है, ऑयल है, इसका नाम है वाओ ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। इसको नहाने से पहले कुछ देर पहले लगा लेते हैं तो काफी अच्छा होता है, ये ग्रोथ स्ट्रेंथनिंग और जो भी डैंड्रफ वगैरह होता है वो रिमूव हो जाता है। तो हाँ, इस शैम्पू से मेरे को याद आया, मेरी मतलब बहन से लड़ाई हो गई थी, सॉरी ऑयल से याद आया, मेरी बहन से लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उससे पूछा नहीं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो मैंने सिंपल यूट्यूब पे सर्च किया कि इस ऑयल को यूज कैसे करते हैं, तो यार किसी लड़की की वीडियो आई, और मतलब उसकी वीडियोस पे ना ज्यादा सब्सक्राइबर थे, उसके चैनल पे ना ज्यादा सब्सक्राइबर थे ना ज्यादा व्यूज थे, लेकिन उसने एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा किया था यार, मेरे को उससे पता चला कि मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छे हैं लेकिन उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर किसी वजह से वो लोग आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते यार, वो लोग मतलब किसी वजह कोई वजह ही होती होगी जिस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका कॉन्टेंट वगैरह अच्छा होता है। और ये सेम सीन मेरे साथ भी हो रखा है। हम लोगों ने कम से कम 3 साल चैनल पे अपनी मेहनत करी है। मेरा एक चैनल है क्रिएटिव बडीज, आप विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर वीडियोज हम लोगों ने काफी अच्छी वीडियोज बनाई, लेकिन 3 साल से हम लोग बना रहे हैं, लेकिन उसपे अभी कल परसों जाके 1K हुए हैं 3 साल में, तो काफी ज्यादा मतलब हम लोगों को भी सपोर्ट की जरूरत थी। तो मैं चाहता हूँ किसी और के साथ भी इतना टाइम ना लगे, अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है, अगर आप मेरे से कोई भी हेल्प चाहते हैं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे से कोई भी हेल्प चाहते हैं तो मेरे को बता सकते हैं, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, चाहे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूं चाहे कम्युनिटी पे डालूं। अगर मेरे को आपकी वीडियो पसंद आती है, अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो मेरे भी कुछ खास सब्सक्राइबर या फॉलोअर हैं नहीं, लेकिन मेरे से जितना होगा मैं आपके लिए करूंगा। और यार आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है ना, मतलब कौन से ऐप से एडिटिंग करनी चाहिए, कौन से ऐप से थंबनेल बनाना चाहिए, और थंबनेल जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब एक तरीके से थंबनेल कपड़ा होता है हमारी वीडियो का, मतलब जिस तरीके से हमारे कपड़े देख के हमारी पर्सनैलिटी को पहचाना जाता है एक स्ट्रेंजर के थ्रू, वैसे ही हमारा थंबनेल को देख के इंसान वीडियो को ओपन करता है, या फिर जैसा भी होता है एक तरीके से वो कपड़ा होता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इन सब चीजों को समझना चाहिए। और खैर जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह है, या फिर मतलब कैसे एडिटिंग करनी चाहिए, कौन से ऐप से करनी चाहिए, थंबनेल किससे बनाना चाहिए, जो भी क्वेश्चन है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, अगर मुझे आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा। तो खैर ये तो हो गई बात यार, मतलब जो चीज हम पे बीती है वो आगे चल के ना हो ना किसी और के साथ, क्योंकि बहुत लोग छोड़ भी देते हैं इसी चक्कर में। हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट क्विट कर ही दिया था, फिर बाद में ये चैनल स्टार्ट किया तो इसमें थोड़ा ग्रो वगैरह आया, इंशाल्लाह थोड़ा अच्छा ही जाएगा इस पे, और इससे थोड़ा उस पे भी इन्फ्लुएंस आएगा, आमीन। तो खैर हम लोग ये हेयर ऑयल अप्लाई कर लेते हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं।갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야 오호호호 कैसा लग रहा है? क्या हुआ, कुछ बोल तो दे। ऊपर कर लो मुंह, मम्मी कह रही है। क्या मम्मी ऊपर कर, अच्छे बाल नहीं काटे मम्मी मैंने, क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी बुक है? हाँ भा आता जाता नहीं है इसका कुछ भी। अभी हो रही है बारिश बहुत तेज़, और टाइमिंग हो रही है 4:30, तो दिल्ली में 4:30 बजे इस टाइम पे बारिश हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली हो रही है। और दुआ मांगी कि नहीं मांगी? तो दुआ वगैरह मांग लेते हैं थोड़ा सा।
यार नहाने का मन कर रहा है लेकिन मम्मी ने मना कर दिया तो नहा भी नहीं सकते। थोड़ा तो पी भी सकते हैं। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक वीडियो शूट। अभी हम लोग मतलब मैं और मेरी बहन करने जा रहे हैं एक वीडियो शूट। क्या हो रहा है वैसे यहाँ पे? ओह माय गॉड, खाया जा रहा है कुछ। ये क्या है? अच्छा मैं इसको बहुत ज्यादा खा चुका हूँ, वैसे मैं पूछ रहा हूँ क्या है। इमली पॉप्स। इमली पॉप्स है। अच्छा अपनी शक्ल दिखाइयो। तो डरे ना, है ना? मेरे को पता था डर गए। तो गाइस मेरी बहन जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं चाहता हूँ सब लोगों को ऐसी बहन मिले और ऐसी बहन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपके घर में कभी भी नजर नहीं लगेगी, कभी भी आपके घर में कोई चोर नहीं आएगा, लोग आपसे डरेंगे और काफी सारे फायदे होते हैं। मतलब माशाल्लाह सीखा रहा है। टोनर लगा के बैठी है। टोनर टोनर होता है, क्या होता है वो? काफी ज्यादा खट्टा है ये। इमली से बना तो खट्टा नहीं होगा। मेरे को खट्टा नहीं पसंद ज्यादा। अचार खा लेता हूँ कभी कभी। तो गाइस बहुत ज्यादा लोग कमेंट करते हैं कि अपनी बहन को बोलो कि अपना रूम टूर दिखाए। तो क्या दिखाऊं यार, ये देखो ये अलमारी हो गई, ऊपर पंखा हो गया, पीछे अलमारी हो गई, ये एक शीशा हो गया, यहाँ पे ये बहन हो गई, बस और क्या देखना है। और चार दीवार है, दो चार लाइटें लगी हुई हैं। और भी कुछ दिखाते हैं क्या? अच्छा बेड, बेड ये रहा। अभी इस पे वीडियो शूट हो रही थी सिलाई की, कर्टन स्टिचिंग स्टाइल्स। तो गाइस जब तक हमारी वीडियो जा रही है तब तक हम इसको एंजॉय कर लेते हैं। काफी ज्यादा टेस्टी है यार ये, मतलब खट्टा मीठा आम का टेस्ट आ रहा है। मतलब जो ये लोग बोलते हैं कि मतलब प्रॉपर नेचुरल है, लगता है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ और जो भी मैंने अपनी वीडियो में हेल्प के रिलेटेड बोला है उससे रिलेटेड मेरे इतने ज्यादा कुछ खास सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मेरी बहन और भाई वगैरह के फैन, तो मैंने उन लोगों से डिस्कस किया था, अपनी बहन से भी किया था, फैन भाई से पहले ही कर चुका हूँ। तो हम लोग इसके रिगार्ड कुछ अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह और आप लोग भी हमारे साथ इसमें ऐड हो सकते हैं। तो आई होप इसके लिए आपको कोई अच्छा सा स्टेप देखने को मिलेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो अपनी वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। नन अमु मर्दो हर सुगा अपसची चन्नने बनान दानन इयागीगा नोल 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 너 Fíjate ya tienes dime Kabhi school ke pas dime Dune to mil jayega Ek naya idea Banaya por su quiero